हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा ये एक इंस्टेंस जो है ये क्रिएट किया था, और इस इंस्टेंस को अपन ने देखा था कि अगर जब भी अपन इस इंस्टेंस को स्टॉप और स्टार्ट करके चला रहे थे तो इस इंस्टेंस का आईपी एड्रेस चेंज हो रहा था। अपन बात करते हैं कि कैसे अपन इस इंस्टेंस को एक स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको EC2 के अंदर या AWS के अंदर इलास्टिक आईपी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप आईपी एड्रेस रिजर्व कर सकते हो। चलिए करके दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे इलास्टिक आईपी, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए अपने पास अभी के केस में एक भी इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं है, अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस। इसके बाद में आपको यहाँ पे डायरेक्ट अलोकेट पे क्लिक कर देना है। अब सबसे अच्छी चीज़ देखिए कि आपको यहाँ पे ये एक आईपी एड्रेस मिल गया जो अभी अभी अपने को मिला है। अब ये आईपी एड्रेस हमेशा अपने पास रहेगा जब तक अपन रखना चाहेंगे। अब इस आईपी एड्रेस को क्या कर सकता हूँ, इस आईपी एड्रेस को मैं उस इंस्टेंस को अटैच करवा सकता हूँ। तो वो मैं कैसे कराऊंगा, आईपी एड्रेस आपने क्रिएट कर लिया है, मैं इसका नाम दे देता हूँ। अब इस आईपी एड्रेस को अपने को अटैच करवाना है उस इंस्टेंस के जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये जो इंस्टेंस जो रनिंग स्टेट में है आप यहाँ पे देखिए, ये इंस्टेंस जो है इंस्टेंस मेटा डेटा वाला, इस इंस्टेंस को अपन वो आईपी एड्रेस अटैच करवाएंगे। तो अभी के केस में आप इसका आईपी एड्रेस देखिए 65.0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ माय वेब सर्वर इलास्टिक आईपी, एंड एक्शन पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, एंड इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए इसने बोला कि आप सेलेक्ट करो, तो मैं यहाँ पे वो इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो इंस्टेंस अपने आप आ गया, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जाके इसको रिलोड करोगे तो आ जाएगा। एंड मैंने ये इंस्टेंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। या फिर आप प्राइवेट आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एसोसिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एसोसिएट पे क्लिक किया तो आप पहले तो ये देख लीजिए, अलोकेशन आईडी देख लीजिए, एंड इसने बता रखा है एसोसिएट इंस्टेंस आईडी कि ये जो आईपी एड्रेस है, जो आपका जो आपने आईपी एड्रेस खुद ने रिजर्व किया था, आपने ये आईपी एड्रेस इस इंस्टेंस को अटैच कर रखा है। अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको अभी भी वही दिख रहा है, बट आपको ये रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे और इस इंस्टेंस मेथड इसको सिलेक्ट करोगे तो आप देखिए आपको आपको आपने जो आईपी एड्रेस रिजर्व किया था यहाँ पे, वो आईपी एड्रेस जो है वो इस इंस्टेंस को अटैच हो चुका है, और अब आप इसकी हेल्प से इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, चलो। तो आप देखिए, एंड मैं यहाँ पे मेटा डाटा से पब्लिक IPv4 ले रहा हूँ, तो आप देखिए इसने यहाँ पे नया वाला आईपी एड्रेस दे दिया। एनीवे, ये तो अपन ने देख लिया कि आप कैसे एसोसिएट कर सकते हैं एक इलास्टिक आईपी को आपके इंस्टेंस को। इलास्टिक आईपी इन शॉर्ट आप स्टैटिक आईपी समझ लीजिए। अब उसके बाद में अब अपन देख लेते हैं, इस इंस्टेंस को एक बार बंद करते हैं, और बंद करने के बाद में वापस रिस्टार्ट करते हैं। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए याद रखना वापस आईपी एड्रेस एंड इंस्टेंस स्टेट स्टॉप इंस्टेंस, आपका इंस्टेंस जो है वो स्टॉप हो चुका है। अब वापस से इस इंस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट इंस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टेंस जब स्टॉपिंग स्टेट में था तभी भी यहाँ पे सेम आईपी एड्रेस इसको अटैच था, एंड अभी तक ये पेंडिंग स्टेट में है, बट स्टिल आईपी एड्रेस सेम है, जो चीज़ मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो आप ऐसे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं आपके इंस्टेंस को। ये तो चीज़ हो गई प्रैक्टिकल, ठीक है। अब वापस अपन बात करते हैं इसको रियल लाइफ में यूज़ कहाँ करोगे, मुझे वो बताओ, कमेंट करके बता दो यार, मुझे अच्छा लगेगा। मैं बहुत मतलब मेहनत का तो पता नहीं कितनी मेहनत होती है, बट बहुत लगन के साथ वीडियो बनाता हूँ कि हाँ कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ आएगी, मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ। तो एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो यार, बहुत अच्छा लगता है। चलो, कहाँ कहाँ पर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे, कोई भी आइडिया जो आपको है वो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट होता हूँ बताना। तो इस चीज़ को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ आपकी एक वेबसाइट है, सपोज़ मेरी एक वेबसाइट है learningocean.com,
ये वेबसाइट मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, जिससे एटलीस्ट मेरी वेबसाइट को आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहें, और जल्दी ही AWS के ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ डाल दूंगा। अब मेरी ये वेबसाइट क्या होती है, सिंपली जब भी आप learningocean.com डालते हैं तो ये किसी ना किसी एक वेब सर्वर पे जाती है। मैं ये चीज़ मेरे को कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है कि जब भी कोई भी बंदा उसके वेब ब्राउज़र में www.learningocean.com डाले तो उसको मेरे एक वेब सर्वर पे आना चाहिए या मेरे एक EC2 इंस्टेंस पे आना चाहिए, और वो EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP मुझे यहाँ डालना रहता है, मैं वहाँ पे उसका ID नहीं डालता। यूँ मैं डाल सकता हूँ कि learningocean.com जो है वो इस IP एड्रेस पे रिजॉल्व होगी। इन शॉर्ट आप जब भी learningocean.com पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो इस सर्वर पे वो रिक्वेस्ट आएगी। ऐसा मैंने कॉन्फ़िगरेशन करके रख दिया। अब हुआ क्या, मैंने सर्वर पे कुछ भी चीज़ किया, मेरे को सर्वर रिबूट करना पड़ गया, रिस्टार्ट करना पड़ गया। जैसे ही मैंने सर्वर रिस्टार्ट किया तो मेरा IP एड्रेस चेंज। अब कोई भी learningocean.com ओपन करने का ट्राई करेगा तो वो इस नए वाले IP एड्रेस को नहीं आएगा, पुराने वाले IP एड्रेस को जाएगा। तो अब पुराने वाले को नहीं जाए, आपके इंस्टेंस का सेम IP एड्रेस रहे, तो उस केस में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा यूज़ केस, आप कुछ भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो जहाँ पे सर्वर का IP एड्रेस हमेशा स्टैटिक रहना चाहिए। हो सकता है आप डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो जहाँ पे रिप्लिकेशन इनेबल हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। जहाँ पे भी होगी आप वहाँ पे ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, राइट? तो मैंने एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिया, इससे आपके दिमाग में चीज़ें चमकनी चाहिए कि हाँ यार, अगर ऐसा यूज़ केस आया तो मुझे ये करना है, ऐसा यूज़ केस आया तो मुझे ये करना है। बाकी इन चीज़ों के तो हज़ारों ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जहाँ पे भी आपको IP एड्रेस स्टैटिक करना हो या फिर आपको खुद की कोई वेबसाइट बनानी हो तो कभी भी ना एक डायनेमिक IP एड्रेस पे आपकी वेबसाइट को पॉइंट मत करवा देना, क्योंकि गलती से आपने आपने इंस्टेंस को रिस्टार्ट किया तो IP एड्रेस चेंज पुराने वाले IP एड्रेस को पॉइंट करेगा। उसके बाद में आप ऑफकोर्स चेंज कर सकते हो, बट चेंज होने में अगर 2 मिनट की भी लेटेंसी आ गई तो आपकी वेबसाइट 2 मिनट के लिए डाउन हो जाएगी। एंड 2 मिनट के लिए वेबसाइट डाउन हुई मतलब गूगल इंडेक्स के अंदर आपकी वेबसाइट दिखाना रैंक में नीचे हो जाएगी, फर्स्ट पेज से सेकंड पेज थर्ड पेज पे दिखने लग जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो ये चीज़ हो गया। उसके बाद में आप कितने रिजर्व IP एड्रेस आपके पास, मतलब आप कितने इलास्टिक IP रिजर्व कर सकते हैं, तो आप अभी के केस में 5 IP एड्रेस जो है वो आप 5 IP एड्रेस जो है वो आप रिजर्व करके रख सकते हैं। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक मेल भेजना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे एक मेल भेजोगे या फिर आप कैसे कोटा एक्सटेंड करवा सकते हो कि भाई मेरे को 5 नहीं, मेरे को तो 10 इलास्टिक IP चाहिए, मेरे तो 10 अलग अलग सर्वर्स हैं और वो सब अलग अलग वेबसाइट्स को पॉइंट हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे कर सकते हो। बट अभी के केस में ये ध्यान रखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 5 इलास्टिक IP रहते हैं। उसके बाद में बात आती है पैसों की, इलास्टिक IP के अंदर आपका पैसा कैसे लगेगा। तो दोस्तों देखो, AWS मैंने आपको बताया था बहुत ईमानदारी से खुद का बिजनेस करते हैं लोग, तो अगर आपने आपका इंस्टेंस जो है उसको आपने इलास्टिक IP अटैच करवा रखा और इंस्टेंस अगर रनिंग स्टेट में है तो क्या है, देखो सपोज अगर ये इंस्टेंस एक रनिंग किधर गया, ये रहा देखो, तो ये एक इंस्टेंस है, अगर ये इंस्टेंस एक रनिंग स्टेट के अंदर है तो AWS एक पब्लिक IP तो आपको वैसा ही देगा, राइट? क्योंकि आपको उसको एक्सेस भी तो करना है, बट उसकी जगह पे अगर आपने पब्लिक IP एड्रेस, एक स्टैटिक IP एड्रेस या इलास्टिक IP एड्रेस अटैच करवा दिया है आपने आपके उस इंस्टेंस को, तो AWS का तो कैसे भी मान लो उसको तो एक IP देना है। आप ऐसे ले लो खुद, खुद रिजर्व करके ले लो, या फिर आप बाई डिफ़ॉल्ट डायनेमिकली AWS से ले लो, तो उस केस में वो आपसे पैसा नहीं लेगा। बट आपने क्या किया, आपने 5 या फिर 1 IP एड्रेस ले लिया और उसको किसी भी इंस्टेंस को अटैच नहीं करा रखा, और जिस इंस्टेंस को अटैच कर रखा है वो भी स्टॉप कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आपसे AWS इलास्टिक IP का पैसा चार्ज करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे इसका बिल चार्ज करता है AWS, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि अपने जो इलास्टिक IP एड्रेस, जो अपन ने इलास्टिक IP एड्रेस है जो अपन ने क्रिएट किया है, इसको डिलीट कैसे करेंगे, इसको डीएसोसिएट कैसे करेंगे इंस्टेंस से, ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।